दोस्तों यहाँ पर CSC समय समय पर बहुत सारी यहाँ पर सर्विस लॉन्च करते रहती है, बहुत सारे यहाँ पर स्कीम लॉन्च करते रहती है। दोस्तों इसी क्रम में CSC ने एक और बहुत बड़ी सर्विस लॉन्च कर दी है यहाँ पर, और जिसमें कि 150 रुपये की कमाई होने वाली है पर पंजीयन पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर। दोस्तों कई सारे हमारे CSC बीएलई भाई को इस योजना के बारे में पता नहीं रहता है, जो कि CSC यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है लेकिन उसको जानकारी नहीं रहता है, इसलिए वह इन सारी योजनाओं का लाभ लेने से यहाँ पर पीछे रह जाते हैं और कमाई उनका नहीं हो पाता है यहाँ पर। दोस्तों आज आपको हम इसी तरीके से एक नए योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसको आप अगर करते हैं तो पर रजिस्ट्रेशन आपको 150 रुपये की यहाँ पर इंसेंटिव मिलने वाली है। दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर जानेंगे कि यह योजना कौन सा है और CSC के माध्यम से इसको करने पर हमको किस प्रकार से यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। तो पंजीयन से लेकर कमीशन मिलने तक यहाँ पर सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम चलते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर, वहाँ से आपको इसका पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बीएलई सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम चल लेते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर, उसको लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, देखिए दोस्तों ऊपर में भी यहाँ पर हमारा जो इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत जो चल रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पर लाइव चल रहा है दोस्तों। टोटल इंसेंटिव 150 रुपये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम योजना के तहत ही आपको यहाँ पर CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंतर्गत आपको 150 रुपये का कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इस योजना का लाभ हमको किस प्रकार से मिलेगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर स्वलिख के आप जैसे ही सर्च बार में टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको दो सर्विसें दिखाई देंगी। तो दोस्तों इसमें का जो फर्स्ट नंबर का जो सर्विस है, अगर आपके आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लिंक है तब इस सेक्शन पर जाना है, और यदि आपके आधार नंबर पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर हम सेकंड वाले लिंक पर जाएंगे, PM स्वनिधि पर। तो दोस्तों इस दो तरह के यहाँ पर लिंक हमारे CSC सेंटर, हमारे CSC सेवा के अंतर्गत यहाँ पर लॉन्च हमको किया गया है। तो हम चलिए जान लेते हैं योजना के डिटेल पूरी तरीके से, यहाँ पर कौन सा योजना है, इस पर हमको कैसे काम करना है। तो दोस्तों PM स्वनिधि योजना एक ऐसा योजना है जिसको एक प्रकार से हम आत्मनिर्भर योजना भी कह सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर 1 जून को लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों यह योजना के तहत, जैसे कि कोरोना महामारी के तहत यहाँ पर देश के बहुत सारे छोटे रोजगार और बहुत सारे यहाँ पर धंधे यहाँ पर बंद हो गए थे, जिसको यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर फिर से चालू करने के लिए यहाँ पर एक नया योजना लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। दोस्तों इस योजना के तहत उनको लाभ होने वाला है। लाभ कैसे होंगे, तो लाभ इस प्रकार से होंगे दोस्तों, जितने भी ठेले घूमती हैं सो यहाँ पर फल सब्जी छोटे छोटे ठेले जो लगाते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर रहते हैं उनके, उनको लिए यहाँ पर उनको लाभ देने के लिए, उनके धंधे को यहाँ पर फिर से पुनः रूप से चालू करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर 10,000 रुपये का उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों एक प्रोत्साहन राशि जारी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वह अपने रोजगार, अपने धंधे को फिर से पुनः रूप से यहाँ पर चालू कर सके। इसके लिए उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर यह लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों इस लोन के माध्यम से उनका एक नया रोजगार खड़ा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसके आधार नंबर, बैंक खाते और फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है और छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर उसका कमीशन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से गाइड करना है, ग्रामीण के जो छोटे छोटे रोजगार हैं यहाँ पर, हम इसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी देंगे। जैसे ही हम उसको अच्छे से जानकारी देंगे उनको समझ में आएगा, और यहाँ पर उन लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसका हमको पर रजिस्ट्रेशन यहाँ 150 रुपये का हमको कमीशन प्राप्त होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्वनिधि के अंतर्गत हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश के सभी सड़क के किनारे रोजमर्रा के काम करने वाले, जैसे फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पर छोटे मोटे दुकान लगाने वाले को लोगों को सरकार द्वारा यहाँ पर 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह इस राशि को प्राप्त कर अपने बिजनेस को फिर से पुनः शुरू कर सके। यह लोन रेहड़ी पटरी वाले के
पटरी वालों को 1 साल के भीतर किस्त में लौटाना होगा। जो व्यक्ति इस लोन को समय पर चुका देते हैं उस वेंडर को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 साल से पहले अब अगर आप 10 10,000 रुपये का वह भुगतान कर देता है तो 7% यहाँ पर 10,000 का 7% यहाँ पर उनके बैंक खाते में तुरंत ही सरकार के द्वारा यहाँ पर लौटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है, हाकर वेंडर ठेले रेहड़ी वाले ठेली वाले इत्यादि को स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके भी यहाँ पर जानकारी दिया था, तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है यहाँ पर कि हमको जो कि छोटे यहाँ पर रोजगार वाले हैं, यहाँ पर जो फुटपाथ पर यहाँ पर काम करते हैं स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर, तो उनको एक नया यहाँ पर प्रोत्साहन मिलने वाला काम है। यह उनको लोन मिलेगा तो उनका धंधा फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि उनकी रोजगार चालू हो जाएगी। यह एक अच्छा काम है और आप जिसको भी यह काम के बारे में बताएंगे, इस योजना के बारे में, वह इसको करवाने से पीछे नहीं हटेगा दोस्तों। तो यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा सर्विस है। आप उनको इस सर्विस के बारे में बताएंगे, उसके बाद वह जरूर से ही इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रजिस्ट्रेशन करके आपको कमीशन अच्छा खासा यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दूसरे नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर निधि योजना भी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में जो योजना का लाभ है उसको यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जो सड़क के किनारे यहाँ पर ठेले माल छोटे से लगाकर बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ पर इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए हम जान सकते हैं, यहाँ पर नाई की दुकान आते हैं, जूता चप्पल बनाने वाले, पान की दुकान सड़क के किनारे, सब्जी बेचने वाले, कपड़े धोने वाले, यहाँ पर जो फल बेचने वाले हैं, चाय ठेला, स्ट्रीट फूड विक्रेता, फेरी वाला जो वस्त्र इत्यादि बेचता है, खोखा लगाने वाला, चाउमीन ब्रेड पकौड़ा अंडे बेचने वाले विक्रेता, सड़क के किनारे किताबी स्टेशनरी लगाने वाले कारीगर, सभी प्रकार के छोटे मोटे कारोबारी को इसका लाभ मिलने वाला है। तो आप इस 14 प्रकार के जो इस पर दिखाए गए हैं दोस्तों, आप इन लोगों को इसके बारे में एक अच्छा खासा क्लास देकर उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अच्छा खासा कमाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर ही यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको, तो यहाँ पर हमको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा इस पर पहले से ही मोबाइल नंबर लिंक है तो हम इसको जा सकते हैं, और लिंक नहीं है तो हम इसको जा सकते हैं। तो एक बार यहाँ हम देखते हैं कि विदाउट मोबाइल नंबर लिंक से यहाँ पर किस प्रकार से काम होता है। दोस्तों अगर आप इसको ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आवेदन करने से यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कमीशन नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिर से रीसेंड ओटीपी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ओटीपी आएगा हम उसको फिल करके आगे बढ़ेंगे, अभी फिलहाल ओटीपी नहीं आया है, देख लेते हैं। चलिए ओटीपी आ गया है हमारा, हम उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करते हैं, सॉरी यह हमारा दूसरा यहाँ पर ओटीपी आया होगा, हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको अभी दूसरा ओटीपी नहीं मिला है, चलिए हम उसको फिर से एक बार रीसेंड ओटीपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फिर से यहाँ पर रीसेंड ओटीपी कर लिया है, तो इस बार हमारा ओटीपी आ गया है, तो चलिए हम उसको फिल कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लिया है और यहाँ पर हम उसको लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पर
चार ऑप्शन हमको ऊपर में दिखाए गए हैं, चेक वेंडर कैटेगरी, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, सबमिट एप्लीकेशन। पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो हमारे पास आधार कार्ड है। यहाँ पर पूछ रहे हैं वेंडर कैटेगरी, वेंडर कैटेगरी कौन कौन से हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो स्ट्रीट वेंडर इन प्रोफेशन सॉरी पोजिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई अर्बन लोकल बॉडीज़। दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो एक फिक्स जगह पर यहाँ पर काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक प्रमाण पत्र यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किया गया रहता है, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसको टिक करेंगे। स्ट्रीट वेंडर लेफ्ट आउट द यूएलपी एलईडी आइडेंटिफिकेशन सर्वे और हु हैव स्टार्टेड वेंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्वे एंड हैव बीन इशूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू दैट इफेक्ट बाई द यूएलबी टाउन वेंडिंग कमेटी। दोस्तों टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो कि स्ट्रीट वेंडर के तहत आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये सारी सर्टिफिकेट जारी की जाती है, तो अगर ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको टिक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपके पास है यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब स्ट्रीट वेंडर के तहत आप रजिस्टर्ड होंगे, सरकार के विभाग से यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड वेंडर को ही इसका लाभ मिलने वाला है। तो जो लोग यहाँ पर डेली से यहाँ पर लगाते हैं तो उनका एक प्रमाण पत्र यहाँ पर बना रहता है। दोस्तों अगर आपने नहीं बनवाया है तो उनको बता दीजिएगा, वह ये इस प्रमाण पत्र को बनवा लें, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आई हैव बीन इशूड लेटर रिकमेंडेशन, दोस्तों आई हैव नॉट बीन इशूड लेटर, तो यहाँ पर आई हैव नॉट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएगा यू आर रिक्वेस्ट टू ऑब्टेन LOR फॉर्म कंसर्न ULB म्यूनिसिपालिटी एंड देन अप्लाई फॉर लोन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आप जब इस लेटर आप लिए रिकमेंडेशन को यहाँ पर भर लेंगे और म्यूनिसिपालिटी जो कि नगर निगम में रहते हैं तो उसको यहाँ पर भर लेंगे, तो वहाँ से आपको स्ट्रीट वेंडर का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इसको करके नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन आएगा, वहाँ पर आपको आपका नाम, आप क्या धंधा करते हैं, आपका गाँव विलेज पूरा जानकारी आपको वहाँ देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर देना पड़ेगा आपको, और फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, आधार नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा और सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर सेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से इसमें HDFC बैंक आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको HDFC बैंक के तहत इसको सेलेक्ट करना है। तो HDFC बैंक के तहत आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करते ही ₹25 का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद आपको जैसे ही आपका लोन अप्रूव्ड कर दिया जाएगा HDFC के तरफ से तो आपको ₹25 दोबारा से मिल जाएंगे, टोटल आपको ₹50 मिल गए। उसके बाद जैसे ही उस लोन का पैसा यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर के खाते में आ जाएगा, उस लोन का छुटकारा भुगतान हो जाएगा, तब यहाँ पर आपको ₹100 का यहाँ पर फिर से प्राप्त होगा और टोटल आपको ₹150 का यहाँ पर कमीशन मिलने वाला है। दोस्तों तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आप उसके लिए फ्रीडम है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और नए नए जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे, और जो भी हम नए नए योजना और जानकारी का वीडियो यहाँ पर बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा जिससे आप योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।